हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। दिल्ली के अंदर में डेली बेसिस पे 2,500 से लेकर 3,000 केसेस डेली देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रख लेना चाहिए अगर आपको कोविड जैसे लक्षण आपके अंदर में दिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आपको तुरंत ही अपना RT-PCR टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि वक्त रहते ही आपका कोविड डिटेक्ट हो पाए और एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट किया जा सके, क्योंकि जितनी देरी होगी कोविड के इलाज के लिए उतने गंभीर परिणाम होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और साथ के साथ में अगर आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि उनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, फॉर एग्जांपल अगर उनको डायबिटीज है या फिर हाई ब्लड प्रेशर या फिर कैंसर जैसी बीमारी है, तो ऐसे लोगों को भी इन्फेक्शन होने से बचाया जा सके आपको क्वारंटाइन करके है। दूसरी चीज ये कि अगर आपको खुद को ही कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि आपको डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, कैंसर है या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो ऐसे केसेस में PCR टेस्ट के अलावा आपको अपना डी डायमंड टेस्ट, CRP टेस्ट, ESR टेस्ट और एक नॉर्मल CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड कल्चर टेस्ट आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जिससे कि वक्त रहते पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कितने लेवल तक इन्फ्लेमेशन है और जो एक ट्रीटमेंट आपका प्लान चल रहा है वो क्या वो ठीक चल रहा है या फिर उसके अंदर में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रेंड्स कि आपको रेगुलर बेसिस पे जब तक आप क्वारंटाइन है, जब तक आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको डेली बेसिस पे अपनी ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जरूर डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बिलो 92 चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास में चले जाना चाहिए। चौथी इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको डेली बेसिस पे अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी जरूर देख लेना चाहिए और बॉडी टेम्परेचर को डाइयूरिनल आपको देखना होता है, यानी कि आपको एक टेम्परेचर मॉर्निंग में और एक टेम्परेचर आपको इवनिंग में जरूर देख लेना चाहिए। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपना रेस्पिरेशन रेट को भी मेजर कर लेना चाहिए। अगर आपका रेस्पिरेशन रेट 10 से लेकर 20 रेस्पिरेशन रेट पर मिनट है तो इसका मतलब यह है कि आपकी सांस लेने की जो गति है वो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका रेस्पिरेशन रेट अबो 25 या अबो 30 जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास में या हॉस्पिटल में आपको चले जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको आपको जरूर ध्यान रख लेना चाहिए अगर आपको कोविड जैसे लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये जो मैंने आपको बातें बताई है, मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मैंने पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप मेरी कोविड पैंडेमिक सीरीज में जाके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल CRP के ऊपर मैंने पर्टिकुलरली एक पूरी वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको किसी भी चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।